हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ एक कटोरी सूजी से बना इतना हल्का फुल्का और स्पंजी सा नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप समोसा, कचौरी, पकौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे और हर बार यही नाश्ता बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना और बहुत ही कम से मसालों से और सामानों से यह बनके तैयार होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में ऑयल। ऑयल यहाँ पे आपको बहुत ही कम सा डालना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच लिया है और ऑयल जो है यहाँ पे हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक डालेंगे हम पिंच ऑफ, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी पानी और पानी में एक बॉयल आने देंगे। और जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। यहाँ पे मैंने सूजी को ग्राइंड कर लिया है, यानी इसका मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पे आपको सूजी को ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करना है। और सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे अगर आपको पानी कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के पानी ऐड किया था और हम इसे यहाँ पे पका लेंगे। और यहाँ पे जो डो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे हाथों से मस लेंगे। यहाँ पे हमें इसका एक सॉफ्ट सा चिकना सा डो बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आप इसे गूंथिएगा बहुत अच्छे से। और ये लीजिए, यहाँ मैंने इसका एक डो बना के तैयार कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे नाश्ता बना के तैयार करना है। तो इस डो में से आपको थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और यहाँ पे आपको इसकी एक नींबू की साइज की बॉल बना के तैयार करनी है। तो इसी तरीके से आपको सारी बॉल बना के तैयार करनी है। अगर आप यहाँ पे बॉल बनाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन का इसे बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है इसलिए मैं यहाँ पे बॉल का शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सारी बॉल्स बना के तैयार करनी है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें मैंने लिया है 2 कप भर के पानी। अब इसके बीच में हम रख देंगे एक कटोरी में पानी और इसके ऊपर हमें रखना है झन्ना। इस तरीके से आपको इस पर झन्ना रख देना है। आप यहाँ पे किसी भी झन्ने का इस्तेमाल करिए। अब हम इसमें अपने बनाए हुए नाश्ते डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने नाश्ता यहाँ पे झन्ने में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर एक परात यानी एक प्लेट ढक देंगे और ढकने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो गया है तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा नाश्ता हमारे यहाँ पे स्टीम हो गया है। और मैं आपको यहाँ पे हाथ में भी लेकर दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी नाश्ता हमारा बन के तैयार हुआ है। तो अब हमें इस नाश्ते को अलग प्लेट में निकाल लेना है। और चलिए अब हम इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सरसों यानी राई के दाने, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसे हल्का सा क्रैकल करेंगे। यहाँ पे राई का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप यहाँ पे इसे ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपने सूजी के बॉल्स और इसे हल्का सा टॉस करेंगे। यहाँ पे आपको इसे तेज़ी से नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स करिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इसे टेस्ट इसका अच्छा आएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। और इसे हम हल्के हाथों से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे स्टीम करने के बाद ऐसे ही सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और चलिए अब हम इसे करते हैं सर्व। तो ये देखिए आप इसका फाइनल लुक। और यहाँ मैंने इसे सर्व किया है हरी धनिया की चटनी के साथ। आप यहाँ पे अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व करिए। और आप ये देखिए नाश्ता देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो अगर आप एक बार इस नाश्ते को बनाएंगे और हरी भरी चटनी के साथ इसे डिप करके खाएंगे तो आप सारे नाश्ते भूल जाएंगे और हर बार यही नाश्ता खाना पसंद करेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।